हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू रेसल किंगडम। तो गाइस, वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट टेकओवर 30 के बारे में, जो कि आज ही हुआ था। गाइस, बड़े बड़े कमाल के मैचेस थे और कैरन क्रॉस की दिल्ली के अपोनेंट थे वो जीत चुके हैं। और गाइस, कैरन क्रॉस बन गए हमारे न्यू NXT चैंपियन। गाइस, बहुत बड़े बड़े मैचेस, बहुत शानदार मैचेस हुए यहाँ पर। NXT लैडर मैच भी बहुत कमाल का मैच था। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सभी मैचेस के रिजल्ट जानना चाहते हैं तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट मैच की बात करें जो कि फिन बैलर और टिमोथी थैचर के बीच हुआ था। गाइस, बहुत कमाल का मैच था ये। गाइस, आप स्टोरी लाइन बिल्डअप जानते हैं। लास्ट वीक जब वेल्टेन ड्रीम के सामने फिन बैलर जीतने वाले थे, जब उन्होंने इंटरप्ट करके फिन बैलर को हरवा दिया था मैच में। तो गाइस, इसकी स्टोरी लाइन में स्थिति नहीं थी और इसलिए मैच होता। गाइस, ये बड़े कमाल का मैच था। फिन बैलर ने भी भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और टिमोथी थैचर का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल कमाल का था। बहुत टेक्निकल रेसलिंग मैच था। गाइस, ये बहुत सबमिशन मूव बहुत यूज हुए थे इस मैच में। तो गाइस, एक चांस पर तो लग रहा था कि भाई टिमोथी थैचर इस मैच में किस तरह जीत जाएंगे, पर गाइस फिन बैलर ने अपना जो कूट वगैरह होता है, पहले अपना वो सीलिंग स्लाइड देते हैं, फिर डबल ड्रॉप किक मारकर जो रिंग पर चढ़ते हैं, रिंग पर जाकर गाइस अपने जो कूट वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद भी किकआउट कर देते हैं। तो गाइस, एक बार फिर किकआउट करते हैं। तो गाइस, फिर से फिन बैलर अपना कूट वगैरह लगाते हैं और किस तरह से मैच में जीत जाते हैं। गाइस, बड़ा कमाल का मैच था। टिमोथी थैचर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। गाइस, उससे बहुत गुना अच्छा मैच था ये। गाइस, नेक्स्ट मैच की बात करें जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, जो कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैच होने वाला था। गाइस, क्योंकि नेक्स्ट टेकओवर 30 का जो रिव्यू था गाइस, तो गाइस ये मैच बहुत कमाल का था, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई डैमिन फिस्ट जीत जाएंगे। गाइस, मैच की बात करें तो गाइस, बहुत बड़े बड़े लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैच को देखने के मैच में देखने को मिले। एक लेटेस्ट स्पोर्ट में तो वो ब्रॉन्सन रीड को बीच बसा देते हैं, उनके टांग खींच ली जाती है गाइस, और भी बहुत बहुत कमाल के मैच में सपोर्ट देखने को मिले। एक सपोर्ट में हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे NXT सुपरस्टार उन्हें बाहर रिंग के बाहर होते हैं, फिर वो गेम फ्रेस्ट होने पर जो छलांग लगा देकर साइड डाइव दे देते हैं, जिससे सारे सुपरस्टार होश से हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं रिंग में। गाइस, अगर हम एंडिंग की बात करें, एंडिंग में हम देखते हैं कि गाइस डैमिन फ्रेस्ट जो जोनी गर्गानो होते हैं, जोनी वेल्वेट ड्रीम जोनी गर्गानो को अपने जो पीछे कंधे पर लगाकर जो ए टाइप का कुछ मूव था, ए टाइप के जो नीचे हमारे डैमिन फ्रेस्ट होते हैं उनके ऊपर छलांग लगा देते हैं, जिससे जो कि जो वो लैडर होती है जो रिंग के बाद बीच होती है वो टूट जाती है। गाइस, अगर गाइस हम विनर की बात करें, विनर तो भाई एक मोमेंट पे लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड या गोल्डन ड्रीम भी जीत जाएंगे, पर गाइस इस मैच में जो हमारे डैमिन फ्रेस्ट जो मैंने कल प्रिडिक्ट भी किया था वो जीत जाते। गाइस, इस मैच के बाद जो नेक्स्ट मैच हमें जो कि देखने को मिला वो नंबर वन कंटेंडर और द नेक्स्ट टैग टीम चैंपियनशिप के लेने वाला था। गाइस, ये मैच लेगेडो एंगल फैंटास्मा वर्सेस ब्रीजांगो वर्सेस डैमिएन बंच एंड उन लोगों के बीच होने वाला था। गाइस, ये भी कुछ ठीक ठाक सा एवरेज मैच था। मैं चाहता कुछ इस मैच की बात नहीं करूँगा। इस मैच में अगर बात करें तो गाइस, एक मोमेंट पर तो जो ब्रीजांगो के जो फैंटास्मा जो मेंबर होते हैं वो उन पर लेगेडो एंड फैंटास्मा की टीम से जो मेंबर होते हैं उन पर फ्रॉग स्लैश देते हैं, जो कि बड़े कमाल का मोमेंट था इस मैच में। गाइस, मैच के बीच में ही एक मोमेंट ये भी आता है जब डैनी बंच ब्रीजांगो के भाई टेलर ब्रिज को जो टॉप रोप पर ले जाते हैं और उस पर से उन पर कुछ छलांग से लगा देते हैं। गाइस, जो मून स्लॉट जैसा हो कि वो 205 लाइव का जो मूव होता है, जब गाइस जो यूज किया गया बहुत अच्छा सपोर्ट था इस मैच में। गाइस, हम एंडिंग की तरफ आए तो एंडिंग में हम देखते हैं कि जो फैंटास्मा होते हैं वो कूटेगा जैसे हम कुछ मूव देते हैं। और गाइस, इस मैच के विनर की बात करें तो विनर लेगेडो एंड फैंटास्मा, जिसकी मैंने सोची थी, मैं सोच रहा था कि भाई ब्रीजांगो इस मैच में जीत जाएंगे, पर गाइस लेगेडो एंड फैंटास्मा अपना फिनिशर लगा देते हैं और वो इस मैच में जीत गए हैं। तो गाइस, अभी जो NXT चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर है वो लेगेडो एंड फैंटास्मा की टीम है, तो इनके बीच हम टैग टीम मैच चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। गाइस, नेक्स्ट मैच है फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल वर्सेस पैट मैकाफे के बीच था, जो कि सोशल मीडिया से शुरू होता क्योंकि एडम कोल गए इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई थी पैट मैकाफे के साथ। गाइस, ये मैच भी बहुत अच्छा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं फिर से कहना चाहूँगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया मैच से उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट मैच था। गाइस, इस मैच में एक बात कर दो, गाइस इस मैच में पैट मैकाफे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो फर्स्ट मैच था जब उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब एडम कोल को टॉप रोप पर ले जाते हैं, वहाँ पर सुपरलेक्स लगा देते हैं और भी कमा कमा मूव देते हैं। गाइस, मैच के बीच में जो अनडिस्प्यूटेड एरा की जो टीम रिंग साइड पर होती है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस टाइम
पैट मैकाफे पलटे पा रहे होते हैं, वो जीतने वाले होते हैं गाइस, तो भी इंटरफ्रेंस करते हैं। तो गाइस पैट मैकाफे वीआई फ्लाइंग मूव सुसाइड डाइव दे देते हैं, जिससे कि जो बाहर इंडिस्प्यूटेड एरा जो घायल हो जाती है। उसके बाद गाइस जो एडम कोल उनको अपना फिनिशर लगाते हैं और अपने जो पैर वाला फिगर फोर मूव देते हैं, जिसके जो कम से कम उन्होंने आधे एक मिनट तक मूव दिया। लग रहा था कि भाई एडम कोल अभी जीत जाएंगे, पर गाइस पैट मैकाफे ने किस तरह वो मूव को झेला। और एंडिंग मोमेंट पे देखते हैं कि गाइस जो पैट मैकाफे है एडम कोल अपना फिनिशर लगा देते हैं और वो जीत जाते हैं गाइस इस मैच में। गाइस नेक्स्ट मैच जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला है गाइस, वो मैच वुमेन्स चैंपियन लो श्राइवर से डकोटा काई के बीच मिलता है गाइस। हम पता है कि डकोटा काई कितने अच्छे रेसलर है, कितने रेसलिंग स्किल्स कितने अच्छे गाइस मैच की। तो गाइस मैच तो अच्छा होने वाला था गाइस। मैच की बात करें तो गाइस डकोटा काई जब रिंग की साइड होते हैं तो एडम जो होते हैं लो शिराई अपना नीड टू फेस देते, जो कि कमाल का मोमेंट था गाइस। मैच के बीच में लो शिराई सुप्लेक्स भी लगा देती है, जो फिर भी डकोटा की कट कर देती है गाइस। एक मोमेंट पर तो डकोटा का एम 25 मार देती है, जो कि मोमेंटम उनके हाथ में आ गया था। फिर गाइस बाद में डकोटा का उनको कुछ रॉक बॉटम जैसे मूव भी देती है, जो कि जिसपे लो शिराई की कट कर देती है गाइस। एंडिंग करता है तो एंडिंग में लो शिराई को छीने सुबह सिखाई क्यों कहा जाता है गाइस। ये लो शिराई ने आज साबित कर दिया, जबकि वो डकोटा रिंग में होती तो गाइस लो शिराई इतनी ऊपर से कूदती है भाई, इतनी कमाल की जंप ली थी उन्होंने, कितना हाई सपोर्ट से, जो कि बहुत कमाल को मेडल लग रहा था गाइस। जितनी ऊपर से उन्होंने जंप ली गाइस, फिर वो है जो कि डकोटा का धराशाई हो जाती है। फिर उसके बाद गाइस जो लो शिराई अपना फिनिशर लगाती और वो अपने चैंपियनशिप टेन कर लेती, तो गाइस अभी भी हमारी वुमेन चैंपियन लो शिराई ही है गाइस। नेक्स्ट मैच जो कि कीथली वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच था, जो कि भाई इस शो का फाइनल मैच भी था और वो जो मेन इवेंट था इस शो का गाइस। ये मैच बहुत कमाल का, वो माय गॉड क्या परफॉर्मेंस इस मैच में गाइस। जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कैरियन क्रॉस मैच जीत जाएंगे, WWE किसी का टाइटल इतना छोड़ रखे कि उन्होंने इतनी जल्दी हरा दिया जाएगा कैरियन क्रॉस के सामने का। इस मैच बहुत कमाल का था शुरू में, तो कैरियन क्रॉस के हाथ में पूरा मोमेंटम होता है, वो कीथली को बैरिकेड पर बजाते हैं और उनके हाथ तोड़ने की कोशिश करते हैं गाइस, पूरे जो हाथ से उखाड़ ही देते हैं और अपना हेडलॉक भी लगाते हैं। पर गाइस कीथली किस तरह मोमेंटम हाथ में लेते हैं और वो जो कि अपने जो अपना जो सिटिंग पावर बूम लगा देते हैं, वो 3-4 बार सिटिंग पावर बूम देते हैं और अपना जो सुप्लेक्स भी लगाते हैं, जो कि बहुत कमाल को मेडल लग रहा था इस मैच में गाइस। पर किसी तरह जो कैरियन क्रॉस मोमेंटम ने फिर से हाथ में लेने की कोशिश करते हैं गाइस, जो अपना बैड लोगो लगाने के बाद अपना फिनिशर लगा देते हैं और जो स्कारलेट की मदद से कैरियन क्रॉस मैच जीत जाते हैं। और गाइस इस मैच में मैं बता रहा हूँ कि आप इस मैच को जरूर देखें, बहुत अच्छा मैच था। एडम कोल जो कि थ्रिंग मैच हुआ था उससे भी अच्छा मैच लगा मुझे गाइस। बहुत कमाल की इंटरेस्ट तो उस मैच में कमाल की थी कैरियन क्रॉस की स्कारलेट। तो गाइस अब हमारे चैंपियन कैरियन क्रॉस बन गए हैं गाइस, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि कीथली इतने अच्छे चैंपियन थे गाइस, उन्हें हरा दिया गया इस मैच में। तो गाइस अब रिजल्ट तो यही है कि भाई कैरियन क्रॉस जीता न्यू NXT चैंपियन। तो गाइस आप इस मैच को देख सकते हैं गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।